केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शिमला प्रवास पर हैं। इस दौरान उन्होंने रोजगार मेले के 5वें संस्करण में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साल में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का संकल्प लिया है। इसके 4 संस्करणों में 2.88 लाख युवाओं को रोजगार दिए जा चुके हैं। 5वें संस्करण में 71,000 युवाओं को रोजगार मिले, इसमें 561 युवा हिमाचल प्रदेश के भी हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अब तक 3.60 लाख युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि युवा केवल सरकारी नौकर बनकर ना रहे बल्कि राष्ट्र निर्माण में सरकार का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी कर्मचारियों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने कहा कि देश अमृत काल से स्वर्णिम काल की तरफ बढ़ रहा है और समय से पहले भारत एक विकसित राष्ट्र बनकर उभरेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत सरकार के माध्यम से 10 लाख सरकारी नौकरियां एक साल में देने का जो संकल्प लिया है, उस निर्णय के अंतर्गत आज 5वां संस्करण भारत सरकार में नौकरियां देने के नियुक्ति पत्र का था। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पहले 4 संस्करणों में 2,88,000 युवाओं को अब तक रोजगार दिया जा चुका है और आज भी 71,000 के लगभग युवाओं को रोजगार दिए गए हैं जो सरकारी नौकरियां हैं। आज 5वें संस्करण के बाद लगभग 3,60,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम पूरा हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में भी आज हमने 561 युवाओं को विभिन्न मंत्रालयों में सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र देने का काम पूरा किया। मैं धन्यवादी हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि युवाओं को सरकारी नौकरी के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में लगाएंगे और युवाओं ने भी संकल्प लिया है कि राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका न केवल एक सरकारी नौकर के रूप में होगी, एक रोजगार के रूप में, बल्कि वो अपनी ओर से भी देश के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तिगत रूप से भी अपना योगदान देंगे। मिशन कर्म योगी में आई गॉड के माध्यम से वो अपना समय समय पर प्रशिक्षण और अपग्रेड भी करते रहेंगे। यही नहीं, भारत को विकसित भारत बनाने के लिए हम सब एकजुट होकर अमृत काल से स्वर्णिम काल की इस यात्रा में इकट्ठे मिलकर लगेंगे, प्रयास करेंगे और समय से पहले विकसित भारत का निर्माण करेंगे। हमने बीजेपी को पीछे करना है, लेकिन वहीं अधीर रंजन कह रहे हैं कि हम चुनाव अपने हिसाब से लड़ेंगे। देखिए, मुझे केवल इतना कहना है, ये राजनीतिक दल जिनके अधिकतर नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए घिरे हुए हैं, उन्होंने पहले भी महागठबंधन बनाने का काम किया था लेकिन कहीं काम नहीं आया। लोगों ने उनको नकारा है, उनके भ्रष्टाचार के चलते, उनकी नीतियों के चलते, ना इनका नेता है, ना नीति है, ना नीयत है। तो जब एक प्लेटफॉर्म पर भी सब आकर इकट्ठे होते हैं तब भी म्यूजिकल चेयर की तरह सब प्रधानमंत्री की कुर्सी की ओर नज़र रखते हैं, लेकिन मिलती किसी को नहीं है, क्योंकि जनता ने देखा है कि जो व्यक्ति 22 सालों में ना थका ना रुका, ना जिसने अपने लिए कोई छुट्टी ली, जो देश के लिए समर्पित रहा, वो नरेंद्र मोदी जी लोगों को 24 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में नज़र आते हैं। और पिछली बार भी 300 पार थी, अगली बार भी जनता के आशीर्वाद से 300 पार होंगे। हम नहीं चाहते हमारा पड़ोसी मुल्क कोई भी फेल्ड स्टेट हो, कोई नहीं चाहता वहाँ पर गलत हाथों में सत्ता जाए, लेकिन हम इतना ज़रूर चाहते हैं कि वो आतंकवाद की घटनाओं को अंजाम देना भारत में बंद करें। कोई भी वहाँ पर सत्ता में हो, उनका कोई हक नहीं कि भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दें। पाकिस्तान ने जो दूसरी जगह बोया, उसका खामियाजा खुद को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे हालात पाकिस्तान के बड़े हैं जो बद से बदतर हो रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि वहाँ जो भी सत्ता में हो, वो कम से कम आतंकवाद के खिलाफ खड़ा प्रहार करे, तभी रिश्ते बेहतर हो पाएंगे। हिमाचल प्रदेश न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।